हाँ आज की ठीक मॉडल बोली करा रहा हूँ। देखते कितनी चलती है, कैलकुलेटर बन जाए खत्म हो जाए। तो हर्षित जी मॉड्यूल पूल के बारे में बता देते हैं। जो एसएपी बना है, एसएपी बनाना सीख रहे हैं, स्क्रीन डिजाइनिंग, ठीक है? हाँ चले गए। हाँ स्क्रीन बनाना सीखेंगे। जो एसएपी में स्क्रीन बनी हुई है, पूरा एसएपी बना हुआ है, वो कैसे बनाया जाता है, तो उसकी कुछ स्क्रीन है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर बनाना सीख रहे हैं मॉड्यूल पूल के अंदर, ठीक है? जो मेन प्रोग्रामिंग है वो अब शुरू होगी, ठीक है? इसके लिए टी कोड यूज होता है SE38, ठीक है? यहाँ आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करोगे, ठीक है? एंड इस पर क्लिक करोगे डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे, ठीक है? अब ये बन जाएगा SE80, ठीक है? SE38 और SE80 दोनों एक टी कोड है, ठीक है? सबसे पहले, हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे स्क्रीन नंबर, 4 डिजिट का होता है स्क्रीन नंबर। मैं दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, राइट क्लिक किया, क्रिएट किया स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन नंबर डाल दोगे यहाँ पे, सपोज ये, ठीक है? 4 डिजिट का होगा स्क्रीन नंबर। एंटर, डिस्क्रिप्शन डालेंगे स्क्रीन का, सपोज कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर, ठीक है? नॉर्मल स्क्रीन, 3 टाइप्स की स्क्रीन होती है, नॉर्मल, सब स्क्रीन और मॉडल डायलॉग बॉक्स, ठीक है? तीनों क्रम हो गए। सेव किया, नाउ इस पे हमारी कोडिंग होगी। फ्लो लॉजिक पे 4 इवेंट होते हैं। पहला है PBO, दूसरा PAI, तीसरा होता है आपका, अगर क्लासिकल रिपोर्ट याद होगी तो, हेल्प रिक्वेस्ट एंड वैल्यू रिक्वेस्ट, ठीक है? अब स्क्रीन बन गई है तो सबसे पहले हम बनाएंगे, लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ जो भी हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसके अंदर लेंगे हम नंबर 1, पहला नाम, ठीक है? कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, NO1, ठीक है? सेव, एक और लिया मैंने, नंबर 2, ठीक है? अब तीसरा हम क्यों ले रहे हैं कोई बताएगा? रिजल्ट, ठीक है? यहाँ पे दे देता हूँ मैं RES, ठीक है? अब इनके सामने चाहिए मुझे इनपुट फील्ड, तो इसके आगे मैं इनपुट फील्ड दूँ, ठीक है? यहाँ जो नाम दोगे उन नाम को याद रखना, उन नाम के ऊपर होगी कोडिंग, ठीक है?
तो यहाँ दे देता हूँ मैं नंबर वन, ठीक है। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट के लिए इसको आर ई एस लिखते हैं, ठीक है। अब इतना चीज हो गया, ठीक है। अब बनेंगे बटन, ठीक है, पुश बटन। तो पहला पुश बटन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर दो नंबर को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। सेव करेंगे, पहला पुश बटन है तो P1, ठीक है। अब हर पुश बटन का हमें देना पड़ेगा FCT कोड, ठीक है, क्योंकि इस कोड पे हमारी कोडिंग होगी। तो वो कोड ऐसा देना आप जो आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए दे देता हूँ मैं DISP, क्लियर है। सेव। एक और पुश बटन बनाएंगे, ये तो था डिस्प्ले के लिए। अब पुश बटन बना रहा हूँ मैं क्लियर करने के लिए, दो वैल्यू को क्लियर भी करना पड़ेगा, T2 क्लियर, CLER, ठीक है। तीसरा पुश बटन किस लिए बनेगा, सपोज एडिशन चाहिए मुझे, ठीक है, दो नंबर को ऐड करने के लिए P3, सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। बिल्कुल, ये बस डमी प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में बनाने को आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। क्या लिख दूँ इसका मैं नाम, डिवीजन, कौन सा हो गया P6। अब इसका फंक्शन कोड आ जाएगा डिवीजन का DIV, ठीक है, मल्टीप्लाई का MUL, सब्ट्रैक्ट SUV, एडिशन EDD, ठीक है। अब हमें एक बटन और चाहिए, ठीक है, किस लिए, एक बटन और चाहिए हमें, यहाँ पे ले लेता हूँ, किसी स्क्रीन से हमें बाहर भी तो आना, काफी बड़ा बना दिया मैंने, ये है आपका पुश बटन नंबर 7। ठीक है, अब इन सबको डाल देते हैं एक बॉक्स में, क्लियर है। इस बॉक्स का एक नाम दे देते हैं कैलकुलेटर,
ठीक है, सेव। अब कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, जैसे नंबर, ये हमारा इनपुट फील्ड है, ठीक है। नंबर की बात हो रही है तो कैरेक्टर की जगह हम क्या लेंगे, इंटीजर या फिर नुमेरिक, ठीक है। इंटीजर ले सकते हो, नुमेरिक भी ले सकते हो, एक ही बात। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर 2 bytes, ठीक है, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। और नंबर 2 में भी सेम इंटीजर, रिजल्ट में भी इंटीजर लेंगे। अब रिजल्ट में एक चीज और चेंज होगी, ये तो हम इनपुट दे रहे हैं, ये भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये आउटपुट का काम करेगा, इनपुट का काम नहीं करेगा, क्योंकि आउटपुट आउटपुट ही तो आएगा सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट हटा देना, सिर्फ आउटपुट रहेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने ये चीजें चेंज नहीं की तो कोडिंग भी रन नहीं होगी, ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा क्या एरर है, ठीक है। अब क्या करें, इसको एक्टिवेट कर दें और वापस आ जाना फ्लो लॉजिक पर, ठीक है। अब हमें करनी है कोडिंग, तो कोडिंग में क्या क्या लिखना है, इसको कर दो अनकमेंट, डबल क्लिक करो, यस करो, मेन प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे केस, ठीक है, केस केस ही लगेगा। केस क्या देते थे वहां पे, हम याद है, ये बताएंगे सारंस भैया हमारे, एलबी रिपोर्ट में क्या लगाते थे, सिस्टम यूजर कमांड में, सिस्टम यूजर कमांड में पूछ रहा हूँ मैं, किस टाइप से डिफाइन करते थे, किस टाइप से डिफाइन करते थे सब जी, इसका ये पूछ रहा हूँ मैं, यूकॉम याद आया, ऐसे यार क्या कह रहा, ये थोड़ा कोड इसका पानी भर गया, कौन अपने पानी पर ध्यान नहीं दे रहा, तुम ही हो, कितना पानी भरोगे, अच्छा तो तुम पानी के बात पर हमारी ले भी लोगे यार, शर्म नहीं आ रही, यहाँ पे ये देखो, डेटा के अंदर हम दो चीज डिफाइन करेंगे, हमने वहां पे नंबर लिया था, ठीक है। नंबर 1 किस टाइप का है, इंटीजर, और दूसरा है हमारा नंबर 2, वो किस टाइप का है, इंटीजर, रिजल्ट रहेगा इंटीजर, ठीक है। इसके बाद हमने केस लगाया SYUCOM, सिस्टम यूजर कमांड, ठीक है। वहां क्यों यूज होता था, दो टेबल को जोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारे केस लगा सकते हो, केस ओके कोड, केस SYUCOM, ठीक है, वो आपका नाम है, यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ चले गए सबके सब, पानी भर गया भैया, मुझे पता है, अब इधर देखो, इसमें एक चीज पॉसिबल नहीं हुई थी मेरे से, अगर वैल्यू
फर्स्ट इंटीजर की दूसरे से ज़्यादा है और माइनस कर रहे हो तो आंसर माइनस में आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अभी बाहर रखना, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया है बैंड कंडीशन के साथ ए डबल टी एडिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ही आएगा क्योंकि नंबर डिफाइन किया है। अरे क्या कर दिया, नंबर वन नंबर टू कॉपी यहाँ पे। ठीक है, दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं। क्लियर है, रिजल्ट में सेम सब्ट्रैक्शन, सी टाइप से हमारा डिवीजन और मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और स्टार। ठीक है, एग्जिट दिया था प्रोग्राम को लीव करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे हो गए क्लियर, सी एल ई आर, क्लियर करना है नंबर वन को, नंबर टू को। ठीक है, और रिजल्ट। ठीक है, डिस्प्ले का यूज नहीं किया तो डिस्प्ले में उधर से हटा देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले का यूज होगा नहीं क्योंकि एडिशन पे आप क्लिक करोगे ना वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसको यहाँ से डिलीट करना और इसको यहाँ पे लगा दे। कर रहा हूँ भाई, छोटा कर रहा हूँ। मैंने एक चीज और नहीं बताई है आपको, इसमें वो भी बताते हैं। इसका ये सिंपल सा कोडिंग है। ठीक है, इसको भी एक्टिवेट कर लेना। अब इसको रन करने के लिए हम एक बनाएंगे टी कोड, क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शन कोड, बिना टी कोड के स्क्रीन नहीं चलेगी। ठीक है, क्या नाम दे दूं उसका मैं, सही है, सारंश काया से हर्षित काया च। भाई तो कुछ ज्यादा दूर बैठा है क्या, तेरी आवाज गूंज रही है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला डायलॉग ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम नेम कहाँ से आएगा कोई बताएगा सारांश भैया, प्रोग्राम नेम कहाँ से डालेंगे हम? ठीक है, और स्क्रीन नंबर, सेवन एट नाइन फाइव, इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है, तीनों को टिक करेंगे, सेव करेंगे और राइट क्लिक करेंगे प्रोग्राम पे, सबको एक साथ एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, नाउ इसको रन करके देखते हैं अपने डीकोड से, एस ए एच ए आर। ठीक है, डीकोड रन तो हो गया। ठीक है, पहले देखते हैं एग्जिट काम कर रहा है कि नहीं। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, काम कर रहा है, बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर डाला हमने 100,
यहाँ पे डाला हमने 52, एडिशन नहीं हुआ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, ये काम नहीं कर रहा है, क्लियर काम करेगा, ठीक है, आप देखते हैं काम गड़बड़ रहेगी, रिजल्ट काम नहीं कर पाएगा। रिजल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है कौन बताएगा? है कहाँ पे? नहीं, उससे कुछ नहीं। नहीं, इसकी वजह से आरईएस दिया ना, मुझे आरई रिजल्ट देना था क्योंकि उधर मैंने रिजल्ट डिफाइन किया, ठीक है, ये यहाँ पे रिजल्ट डिफाइन है इस वजह से, या तो आरईएस कर देता तो काम कर जाता, ठीक है। एक्टिवेट फिर से रन करेंगे, ZSAHAR अब आ गया, अब रन हो जाएगा, ठीक है, लो बनाएंगे, एडिशन 350, ठीक है, अगले में करते हैं, सबट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, क्या कह रहे हो? इंटीजर की वजह से आ रहा है वो, मल्टीप्लाई में 30,000 हो गए ना, ठीक है, क्लियर पे क्लियर, ठीक है, एंटी एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, अब आप उस जगह पे पता क्या लेना, न्यूमेरिक ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ये तो मैंने छोटा सा प्रोग्राम कराया है, ठीक है, अब एक चीज देख रहे हैं, ऊपर के सारे बटन डिसेबल है, इसे भी हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे बताऊंगा, ठीक है, और इसका पर्पज, ये तो मैंने ऐसे ही प्रोग्राम बनाया है, इसका यूज कुछ नहीं है, ठीक है, अब हमें यूज क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि हमें बटन पे कोडिंग करनी है, चेकबॉक्स बनाने हैं, उन पर भी कोडिंग होगी, ठीक है, अब इसमें हाई हाई प्रोग्राम आते जाएंगे, अब जो मेन है ना दो प्रोग्राम वो मैंने बताया था आपको, वो हाई 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 लेवल के, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक स्क्रीन बनाई है, ठीक है, अब हम बनाएंगे मल्टीपल स्क्रीन, दो फिर तीन चार, ठीक है, दूसरा स्क्रीन के अंदर भी स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है, अब जैसे ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है, ऐसे भी की होम स्क्रीन, ये सारे बटन हम बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, ये हमारे होता है मेन्यू बार, फंक्शन बार, ठीक है, ये सब कुछ लगा सकते हैं, सर्च बार भी बना सकते हो, ठीक है, और ये इसके अंदर ये खुलते जा रहे हैं एरो वगैरह, ठीक, ये भी आप बना सकते हो, पूरा आप एक ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जब पूरा ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, अब ऐप आपका, आपका एक टारगेट रहना चाहिए कि मैं मॉड्यूल पूल से एक अलग अवैप बना लूं, अलग एक वो बना लूं, यूजर आईडी पासवर्ड उससे लॉगिन करूं, बाकी की चीज़ों से मुझे कोई मतलब ना हो, ठीक है, अब क्या होता है, बीटेक वाले जो कोर्स करने आते थे प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर में उन्हें वो दिखाना पड़ता है ना प्रोजेक्ट, तो प्रेजेंटेशन मॉड्यूल पूल से ही बनती है, ठीक है।
डेटा में जाके सेव होनी चाहिए, मतलब जो हमारी मारा टेबल है ठीक है। आप कुछ ऐसे बटन बनाओ, ऐसे कुछ वहाँ पे कोडिंग करो या फिर डिजाइन करो अपनी स्क्रीन पर, वहाँ से मैं एंट्री डालूँ वो सीधे एंट्री जाए किसमें, आपकी मारा टेबल कर सकते हो ना, चीज सब चीज पॉसिबल है, सब चीज ठीक है। अभी तो हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया ठीक है, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ मारा में, अब देखना कैसे करना है, एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है। बनाऊँ कितना ही रखूँ बता दो मेरे को, हेलो ये कह रहा हूँ और प्रोग्राम बनाऊँ या फिर खुद का ही करूँ, तो फिर इसमें एक एक चीज़ और देखूँ किस नाम से था, SAR_CALC एक चीज देना भूल गया था मैं, क्या कहते हैं ये आपकी स्क्रीन है ठीक है, आप इन बटन का आइकन भी दे सकते हो। आइकन क्या होता है, आइकन आइकन ठीक है, जैसे एग्जिट है, एग्जिट के लिए यहाँ पे आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे फाइंड कर लो कि एग्जिट के लिए क्या होना चाहिए, कैंसिल सपोज कैंसिल ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, ये आइकन आ गया इसका ठीक है, इस टाइप से ठीक है। ऐसे ही क्लियर के लिए, क्लियर के लिए कैसा आइकन होना चाहिए, क्लियर से आता है कुछ नहीं आया, डिलीट होगा, डिलीट इस टाइप का आ रहा है, ये देखो इरेज ठीक है, इसको ले लो यहाँ पे ठीक है, इस टाइप से इन पे भी लगा लेना, तो आप आइकन भी लगा सकते ठीक है। एक्टिवेट फिलोलॉजिक और फिर से एक्टिवेट, जरूरी नहीं है टी कोड से चलाओ, यहाँ से भी डायरेक्ट टी कोड चल जाएगा ठीक है, एग्जीक्यूट ठीक है। अब अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, मेन्यू बार बनाएंगे अपना मेन्यू बार, यहाँ से सीधे ओपन होगा आपका ऐसी 38 LSMW कुछ भी ओपन कर सकते हो, अपना टी कोड ऊपर बना ले ठीक है, और ये भी इनेबल करना बता दूंगा, उस केस में क्या होगा नीचे बनाने नहीं पड़ेंगे ऊपर के ही वर्क करेंगे ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें अलग से बनाया है जो फिर ऊपर वाला वर्क करेगा कैंसिल के लिए ठीक है। अगर हम ये बटन नहीं बनाते तो बाहर कैसे जाते हैं तो बता सकते हैं, इस स्क्रीन से एग्जिट होने का कोई और ऑप्शन था कि नहीं, यहां से बंद कर देते हैं क्लोज, और दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिना बंद करे बैक जाना है, ZSAH हाँ सारे डिसेबल हैं तभी तो पूछ रहा हूँ, तुम बताओ पहले, इससे जा सकते सॉरी स्लैश एन, स्लैश एन से न्यू नहीं चल जाता, होम स्क्रीन पर चले जाते ठीक है, ये आपकी होम स्क्रीन
है, और पूरा सिस्टम बंद करना हो तो स्लैश NEX, एक्स लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, आने वाले बहुत है ना तुम्हारे। क्या और कराऊं रहने दो बस।